नहीं मिला, अस्पताल मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, मान सम्मान मिला नहीं मिला, क्या मिला? सिर्फ डर डर कर, डर डर कर, डर डर कर। और ये इबलीस की औलाद अब ये भी कहेंगे, देखो ये चुनाव जिंदगी मौत का है, बोलते हैं ना, जिंदगी मौत का चुनाव। अरे भाई ये अब चुनाव हो जाएगा तो हम रोज मरेंगे, इसके बाद कोई नहीं आता हमारे जनाजे को खंदा देने के लिए। आज चुनाव आ गया तो जिंदगी मौत, क्या 2007 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का नहीं था? क्या 2017 का, 2012 का, 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? अरे उसके बाद फिर हम रोज मरते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम जब इस दुनिया में आए हो अपनी मां की कोख से, तो तुमने अपनी जिंदगी, अपनी हुस्न और अपनी इज्जत लिखा कर लाए हो। अगर कोई तुमसे कहेगा तुम मर जाओगे, तो कहना उससे तू क्या खुदा है? कहना उससे दीवाना हमारे सामने आकर कहा कि उस पर चार चार गोलियां चलाई गई 6 फीट से, तब भी एक गोली उसके बाल को नहीं लगी, तो कहां से मौत आएगी? और फिर बोलेंगे ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, नौजवानों को जज्बाती करता है। हम करते हैं जज्बाती, हमको फखर है इस बात का। और उन नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो हमारे भाषण सुनकर जज्बाती हो जाते। मैं उन नौजवानों के मां बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे गयू औलाद को, बेटी और बेटों को पैदा किया जिसमें जज्बात बाकी है। अगर किसी मासूम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारी आंख में आंसू आए ना आए, तो क्या वो जिंदगी की निशानी है, मौत की निशानी है? बताओ मुझे। अगर कोई बच्चे को मारा जा रहा है गैर जरूरी से, तो तुम बचाओगे या उसको बोलेगे नहीं जिंदगी मौत का मामला है, घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ? अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, तो क्या वो जिंदगी है या मौत है? बताओ। शिक्षा नहीं मिलना भी मौत है, रोजगार नहीं मिलना भी मौत है, राजनीति में हिस्सा नहीं मिलना भी मौत है, ठेकेदारी में हिस्सा मिलना भी नहीं मिलना मौत है, विधानसभा में चुनावी आवाज नहीं उठना भी मौत है। जिंदगी की बात तो मैं कर रहा हूं, हयात की बात मैं कर रहा हूं, आवाज को उठाने की बात बाबा सिंह कुशवाहा हम कर रहे हैं। ये लोग आपको डर कर, खौफ दिलाकर घरों में बिठाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर के दरवाजों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे को खोलो। अपने दिल में जो दस्तक दे रहा है तुम्हारा दिल, कि अब वक्त आ चुका है हिस्सेदारी का, साथ दो पतंग का, ओवैसी का और कुशवाहा का। एक मरतबा अपने दिल पर यकीन कर लो, एक मरतबा अपने दिल पर यकीन कर लो। याद रखो, दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा सपा बीजेपी, जब दिल से पूछेंगे तो दिल क्या बोलेगा? दिल क्या बोलेगा? दिल बोलेगा प्यारे प्यार किया तो डरना क्या? ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हाँ मोहब्बत जिंदाबाद, चाचा मोहल्ले आजम के दौर के हैं। चाचा मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद। और फिर अब बीजेपी के बारे में आप देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने कहा था कि पता देखिए अब रिपब्लिक हम पर कैमरा लगा दिया, प्रधानमंत्री पर बोलते ही तैयार, क्योंकि इनके प्यारे का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि शान चुपका जनरल, मैं 10 मार्च के बाद इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल के चारपी के सो गए थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 10 मार्च के बाद। अच्छा, 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने 5 साल पहले किया था, नहीं किया था? अब प्रधानमंत्री ने एक नया आइडिया दिया कि नौकरी छोड़ो,
ग्रेजुएट बच्चे जो रात में पढ़ पढ़कर गरीबी में पढ़कर इम्तिहान लिखने जाते उनका पेपर लीक हो गया तो प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी फिक्र मत करो तुम्हारी डिग्री तुम कचरे कुंडी में डाल दो मैं तुमको गोबर से इनाम दूंगा गोबर लो पैसा कमाओ क्या दिमाग है आप कह रहे हैं कि चुट्टा साल रात में कसम खाने के बर्बाद कर देता है तो प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों ये मोदी ने नहीं किया एक किसान को मैंने दो नौकरी दे दी किसान बोला दो नौकरी हाँ तुम दिन में मेहनत करो रात में जाकर अपनी फसल की हिफाजत करो ये भी मैंने किया क्या दिमाग है तो बाबा ने कहा है बादशाह सलामत ने कह दिया तो वजीर को भी कुछ करना पड़ेगा तो वजीर ने कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया खुदा ना खास्ता तो मैं एक साल और एक गाय के ऊपर 900 रुपये दूंगा अस्पताल के लिए पैसे नहीं कोविड में ऑक्सीजन के लिए पैसे नहीं डॉक्टरों की भर्ती के लिए पैसे नहीं नौकरियों की भर्ती के लिए पैसे नहीं तो योगी ने कहा एक सांड के ऊपर 900 रुपये अब आप सुनिए इनकी नाइंसाफी तकलीफ होगी आपको उत्तर प्रदेश में जो विकलांग लोग हैं अपाहिज हैंडीकैप उनको महाना जो पेंशन मिलता है 1000 रुपये इंसान जो विकलांग है 1000 रुपये और अगर कोई सांड रखेगा तो उसको 900 रुपये क्या ये इंसानों की तारीफ नहीं है तो क्या आप इजाजत देंगे कि मैं बाबा को पैगाम दूं उस विधानसभा से हम बाबा को थोड़ा ज्ञान दे दें हम बाबा से कहना चाह रहे बाबा एक इंसान जो विकलांग है उसको 1000 रुपये और एक चार चांद के जानवर के लिए 900 रुपये तो बाबा आप जानवर का ओट ले लो हम विकलांग का इंसानों का ओट ले लो आप बताइए कौन सा इंसाफ अब मोदी जी कह रहे कि जिसको राशन मिला वो मोदी का नमक खाया अब बताओ विधानसभा के गैयूर आवाम मीडिया के लोग भी सोच लो क्या तुम देश का नमक खाए या मोदी का नमक खाए किसका नमक खाया आप लोग मोदी का तो नहीं खाए ना अब मोदी जी बोल रहे कि मेरा नमक खाए और फिर ये कह रहे कि मैंने राशन दिया अरे 500 रुपये का जब राशन किसी महिला को दिया तो क्या उस महिला से जाके पूछो 1400 रुपये का सिलेंडर भी तो खरीदा पड़ा ये 500 दिया मोदी ने और 1400 खींच लिए तो मोदी का तो फायदा हो गया ना फायदा हो गया ना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों आपसे अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख के दिन डरिए मत डरेंगे आप डरेंगे आप डरेंगे डरेंगे और अगर इबलीस की औलाद आकर अरे इबलीस की औलाद आकर बोलेगा डर देखो डर है बीजेपी आ जाएगी सपा बसपा तो उससे क्या कहना आप नहीं वो बच्ची जो हिजाब और निकाब पहन के उसको गुंडाई घेर लिए थे तो उसने कहा था जब मैं डरती हूं तो क्या नारा लगाती हूं क्या नारा लगाती हूं अरे इतनी ताकत से तो बोलो आप कुछ नहीं हो सकता आपको ये फैसला करना है आप एक पांच साल हमको मौका दीजिए शेर अफगन का कान एक तरफ हम पकड़ेंगे दूसरी तरफ बाबूजी पकड़ेंगे इनको विधायक बनाइए हम कम से कम 6 महीने में एक मरतबा यहां पर आएंगे विधानसभा में वैसे तो आते रहेंगे आई लव यू यू लव मी मैं तुमको चाहता हूं तुम मुझे चाहते हो जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा ओवैसी आता रहेगा उत्तर प्रदेश में कोई मरका लाल और गोली चला ले कुछ भी कर ले
मैं अपनी मेरी मौत मेरी जिंदगी की हिफाजत करती, मेरी जिंदगी की अहमियत कीमत नहीं है, आपका मुस्तकबिल आपकी जिंदगी है, हम आपको नेता बनाने को आए, आप इसमें हमारा साथ दीजिए, ये आपकी लड़ाई है, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, आपका नेता कौन है बताओ मेरे को, कौन है आपका नेता, आपका नेता आप बनेंगे, जिसका नेता नहीं उसकी आवाज नहीं। ये सपा वालों से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, रात भर नींद नहीं आएगी सपा वालों को। आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे, अखिलेश बाहर आजम जेल में क्यों बताए, आजम जेल में और मुख्यमंत्री बाहर क्यों बताए, सपा वालों के मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक और बात सुनो, महाराष्ट्र में नवाब मलिक जेल में, राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है उसके खिलाफ इरिगेशन के स्कैंडल का इल्जाम है, वो बाहर है नवाब मलिक जेल में है। क्या हो रहा है ये, क्या तुम नहीं समझोगे इस बात को,